जो भलाई के कार्य हैं, जिससे गरीबों का या चाहे कोई भी किसी तरह का भी जिसको ज़रूरत है, सबसे पहल यहाँ डेरा सच्चा सौदा से ही की जाती है। कोई भी बाढ़ आती है, आफत आती है दुनिया के अंदर, तो सबसे पहले भागने वाली जो संस्था है वो है डेरा सच्चा सौदा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जैन साहब है। डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अपना फैक्ट, अपना एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा वे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जैन साहब के लिए आपके सामने रख रहे हैं। लेकर चलते हैं सीधा उन्हीं के बीच में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम? मीनाक्षी। क्या क्वालिफिकेशन है मैम? एमएससी मैथ्स बीएड। मैम करंटली क्या प्रोफेशन है आपका? टीचर हूँ मैं शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल में। मैम आपने शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल में एज अ टीचर वर्क कर रहे हो, कैसा माहौल है स्कूल का? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, लड़कियाँ पूरी सेफ हैं, करेक्टर वाइज लगा लो चाहे स्टडी वाइज लगा लो, मतलब बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। लड़कियों को दूसरी शिक्षा जो हमारी होती है, किताबी ज्ञान होता है, उसके साथ साथ जो रूहानियत की या सामाजिक जो भी ज्ञान है वो हमारे स्कूल में दिया जाता है, ताकि बच्चियाँ आगे जाके उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो उनके लिए बहुत अच्छा माहौल है, लड़कियों के लिए स्कूल में बहुत अच्छा माहौल है। मैम 3-4 साल पहले से भी आप वहीं पर पढ़ा रहे हो? मैं एक्चुअली 2 साल से वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा माहौल लड़की को पूरी वर्ल्ड में नहीं मिल सकता। मेरी खुद की बेटी है, हमारे घर में 2 बेटियाँ हैं, हमने इसी स्कूल में ही उन बच्चों को ताउम्र पढ़ाना है, जितनी भी स्टडी है, ये हमारा भी मेन मोटिव है, क्योंकि हमारी बच्चियाँ सेफ हैं तो हम भी सेफ हैं। मैम डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हो आप? डेरा सच्चा सौदा को मैं बचपन से ही जानती हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है जो वो बचपन से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हूँ। कितनी बार विजिट किया होगा मैम आपने आश्रम में? ऐसे काउंट तो नहीं किया कितनी बार किया, बट हम 15 दिन बाद, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो हम आते रहते हैं यहाँ पे, तो 15 दिन बाद 10 दिन बाद जब भी हमें लगता है कि हमने जाना है तो हम आते हैं, बहुत विजिट करते हैं हम यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, हमें अंदर सुकून मिलता है हमें। बीइंग गर्ल कैसा फील करते हो? बीइंग गर्ल बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए इससे ज़्यादा सेफ जगह नहीं है, मुझे ये फील होता है। क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें, हम जाते हैं जैसे हर जगह हम घूमते हैं, तो मैं कई जगह अनसेफ भी फील करती हूँ, बट जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ सेफ हूँ, और यहाँ मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मुझे ये लगता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं, जो भी यहाँ आती हैं, डेरा में आती हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ती हैं, तो उनके पेरेंट्स भी इतने खुश हो जाते हैं कि हमारी बच्ची सेफ होगी। क्योंकि आज के टाइम में सब पेरेंट्स को ये होता है कि हमारी लड़की सेफ होनी चाहिए, हमारी लड़की को अच्छे विचार मिलने चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ही मिल सकते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। दुनिया में बहुत कुछ है, देखा भी है, तो देखा है लोगों के विचार कैसे हैं, क्या है, बट जो यहाँ हमें संस्कार मिले हैं, यहाँ हमें जो विचार मिले हैं, ऐसे विचार हमें कहीं नहीं मिल सकते, ये मैंने फील किया। मैम आए दिन हम भी देखते हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़ आती हैं कि छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं। आपको क्या लगता है अभी ऐसा क्यों, इसका बेसिक रीज़न क्या है, क्यों आजकल हमारे यूथ है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जैसे जो ये हमारी लड़कियों के साथ, देश की लड़कियों के साथ इतना बुरा होता है, दुख देखो सभी को होता है, क्योंकि हमारी भी बेटी है, हम खुद पे सोचें कि अगर हमारी बेटी हो इस जगह पे तो हमें क्या फील होगा। तो ये सारा है सामाजिक बुराइयाँ, जो लोग नशे करते हैं, मेन उन लोगों की वजह से ये बुराइयाँ फैल रही हैं, जो लोग नशे कर रहे हैं या फिर लोग बुराइयों की तरफ भागते हैं, तो उनका ध्यान हमेशा बुराई की तरफ ही रहता है, वो बुराई करने का ही अपना ढूंढते रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं बुराई करनी है, तो उस बुराई का शिकार वो लड़कियाँ हो जाती हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। तो इसलिए इस बुराई से निकलने के लिए पेरेंट्स भी जागरूक होएं, अच्छे संस्कार लड़कियों को भी दिए जाएं, उनको अबला नहीं सबला बनाया जाए, ताकि वो लड़कियां समाज में हर सिचुएशन का सामना कर सकें, चाहे उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है। मैम जब सामाजिक बुराइयों की बात आती है, इसको दूर करने के लिए जो काफ़ी आगे आता है नाम डेरा सच्चा सौदा का, एक्चुअली में क्या रियलिटी है, क्या एक्चुअली में डेरा सच्चा सौदा में ये चीज़ बताई जाती है, सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाता है? मैम बिल्कुल किया जाता है, हमारे गुरुजी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान,
तो उन्होंने हमेशा सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने की पहल की है, करते थे, करते ही रहेंगे, क्योंकि जो सामाजिक बुराइयाँ हमें तो पता भी नहीं होता कि समाज में ये चल रहा है, तो हमें गुरुजी बताते हैं, क्योंकि हमें तो एक दो बुराइयाँ पता चली कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट जब हम सुनते हैं कि ऐसा भी कुछ है दुनिया में, भ्रूण हत्या की जाती है, भ्रूण में लड़कियों का कत्ल करके उनके अचार के डब्बे पैक किए जाते हैं, मतलब ये चीज़ें हमें नहीं पता थी, जो हमें यहाँ डेरा में आने के बाद पता चली, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें वेश्यावृत्ति का भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है कि लड़कियों के साथ इतने बुरे व्यवहार भी होते हैं, तो हमें ये सब कुछ यहाँ डेरा में आके पता चला कि ऐसी ऐसी बुराइयाँ हैं जो हमें पता भी नहीं थी, जो हमारे गुरु जी ने इतनी जल्दी उनको कुरीतियों को ख़त्म करने की जो पहल की है, तो ये हमारे गुरु जी की ही पहल है। वेश्यावृत्ति के लिए मैंने नहीं सुना कि आज तक किसी ने इसके लिए कदम उठाया है, तो ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा का ही फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने वेश्यावृत्ति को ख़त्म करने के लिए, ये सबसे बड़ी गंदी और सोच जो लोगों की होती है उसको ख़त्म करने के लिए, ये बीमारी को ख़त्म करने के लिए, तो ये सब गुरु जी ने ही हमें बताया कि इस बीमारी को या इस बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उन लड़कियों को यहाँ पे अपना के, उनको बेटियाँ बना के शादी का भी उनको करवाया जाता है ताकि वो आगे अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। हमने उन लड़कियों से जब हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम इतनी बुराई में फंसे हुए थे कि हमें लगता नहीं था कि हम कभी इस बुराई से निकलेंगे, पर ऐसे गुरु भी हैं जो इस वेश्यावृत्ति के बारे में जिन्होंने सोचा और इस बुराई को ख़त्म करने की अभी भी होड़ ही लगी हुई है कि इस बुराई को ख़त्म करना है, लड़कियों को सेफ बनाना है मेन, तो बस ये मोटिव है हमारा कि लड़कियों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है, या जब पिता ये इतना उनके बारे में सोच सकते हैं जो जो जिन लड़कियों को जानते भी नहीं हैं, जो वेश्याएँ हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लड़कियाँ होती हैं, जो गुरु उन लड़कियों के बारे में सोच के उनको अपनी बेटी बना सकता है, तो आप सोचो कि वो गुरु कैसा होगा, कैसी उसकी सोच होगी बेटियों के बारे में। उन्होंने हमेशा बेटियों को आगे बढ़ने के लिए ही मोटिव किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब गुरु जी ही हमें सिखाते हैं। मैम कैसे ट्रीट करते हैं वो आप लोगों के साथ? हमारे साथ जो वो ट्रीट करते हैं, हमें लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स से भी उतना प्यार नहीं मिलता होगा जो हमें एज अ बेटी, जो हमें सुकून मिलता है, जो हमें प्यार मिलता है वो हमारे गुरु जी से मिलता है। वो हमें इतनी अच्छे से समझाते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। अब सामाजिक बुराइयों की बात करें, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं बताया हमें कि ऐसी भी बुराइयां हैं, बट हमारे गुरु जी ने बताया हमें, तो हमें पता चला, हमें कोई बताएगा तो ही हमें पता चलता है कि समाज में इतना कुछ हो रहा है। तो इतनी बुराइयाँ जो थी लड़कियों के प्रति लगा लो या कोई और भी लगा लो, तो अब हम उन चीज़ों से दूर हैं, आज हम सेफ हैं सिर्फ गुरु जी की वजह से। मैम जैसे आप गुरुजी के फेवर में बात कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपके जैसे कितनी लड़कियां आज उनके साथ होंगी? करोड़ों लड़कियां हैं इनके साथ जो इनकी वजह से आज सेफ हैं, जो इनकी वजह से आज भी अपने फ़कर से कह सकती हैं कि हाँ भी हम कुछ हैं लाइफ में, हम कुछ बने हैं तो इनकी वजह से बने हैं। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ इतना नाम रोशन कर रही हैं, देश का, विदेश में जाती हैं, ठीक है, पेरेंट्स का नाम रोशन कर रही हैं, गुरुजी का नाम रोशन कर रही हैं, तो वो भी तो लड़कियाँ ही हैं जो सामाजिक बुराइयों से दूर हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रही हैं, उनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, रूहानियत ज्ञान दिया जाता है, जिस वजह से वो लड़की आगे अपने पेरेंट्स का सोचती है, अपने देश का सोचती है और अपने गुरुजी का नाम रोशन करती है। मैम गुरुजी के ऊपर जो इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या मानना है आपका उन सब के बारे में? देखो हम जब हम देखते हैं कि हम एलिगेशन की बात करें, एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हर किसी को अधिकार होता है, कुछ भी बोल देगा वो, बट हम ये सोचते हैं कि एलिगेशन लगाने से पहले जो भी एलिगेशन लगाते हैं एक बार वो ज़रूर सोचें कि जो इतनी लड़कियां इतनी सेफ हैं वो क्यों हैं, क्या रीज़न है, क्यों इतना इनको, ये लड़कियां क्यों इतनी सेफ हैं, क्यों इनको इतना प्यार दिया जाता है, क्यों ये आगे देश का नाम रोशन कर रही हैं, इसका रीज़न तो जाने वो पहले कि लड़की को पहले यहाँ पे जो करोड़ों लड़कियाँ जुड़ी हैं, देखो कोई भी पेरेंट्स है या कोई भी दुनिया में अपनी लड़की को कोई भी ऐसी जगह नहीं जाने देगा जहाँ वो लड़की अनसेफ होगी। अगर वो सेफ है या फिर वो अपना नाम रोशन कर रही है, पेरेंट्स का नाम रोशन कर रही है, पेरेंट्स को भी यही होता है कि हम लड़कियों को वहीं भेजें। एलिगेशन तो कुछ भी लगाते रहे, हमें उनकी कोई परवाह ही नहीं है,
हमें ना हम सुनते हैं एलिगेशंस को, ना हम उनकी तरफ जाते हैं, जो जिसने बोलना है बोलता रहे। अगर हाँ, अगर उनकी हिम्मत है तो यहाँ आके देखें एक बार, यहाँ आके देखें कि लड़की के बारे में यहाँ पे क्या सिस्टम है, क्या यहाँ पे उनको शिक्षा दी जाती है, फिर बोलें वो, फिर एलिगेशन लगाएं। ऐसे एलिगेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो लोगों को, बट अगर वो लगा भी रहे हैं तो बिना सोचे समझे हम किसी को भी गलत कहते हैं, ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। तो आई थिंक सो कि एलिगेशन लगाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलते रहो। ऐसा क्यों लगता है मैम भी गुरुजी के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लोग ऐसे ही लगा रहे हैं? मतलब क्यों गुरुजी के ऊपर ही क्यों लगाएंगे लोग ऐसे एलिगेशंस? देखो, जो इंसान मैं इंसान की बात कर रही हूँ पहले, अगर कोई इंसान अच्छे कार्य करता है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो आई थिंक सो साथ वालों को भी थोड़ी जेलसी फील होती है कि हाँ ये आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों इसकी इतनी कामयाबी मिल रही है इसको। तो वो तो गुरुजी हैं, उन्होंने तो इतने कार्य किए हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे कभी, ठीक है। तो उन्होंने आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर लड़कियां होती हैं उनकी शादियां करवाई, वेश्यावृत्ति की कुरीति को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया। भ्रूण हत्या, जो देश में पता नहीं कितनी हजारों लाखों लड़कियां भ्रूण के अंदर ही मारी जाती थी, जन्म लेने से पहले ही उनका कत्ल किया जाता था, तो वो आज सेफ हैं तो सिर्फ गुरुजी की वजह से। तो मैं यही कहूँगी कि हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए। तो ये जो बुराइयाँ दूर कर रहे हैं, देखो जो नशे रोक रहे हैं तो लोगों का नशा बिकना बंद हो गया, जो कुरीतियाँ हैं, वेश्यावृत्ति है, ये लोगों के धंधे बंद होते जा रहे हैं। तो देखो, जो इस चीज़ को ख़त्म करेगा, जिन लोगों के ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके काम धंधों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली है कि वो जेलसी करेंगे, वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे ताकि गुरुजी को इस चीज़ में फंसाया जाए, झूठे आरोप लगाए जाएं। झूठे आरोप वो लगाएंगे अगर, तो ही उनको ये लगता है कि हमारा मोटिव फिर ही पूरा होगा। तो झूठे आरोप हैं ये सारे, क्योंकि सामाजिक बुराइयाँ दूर होते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देख सकते, क्योंकि वो खुद ही सामाजिक बुराइयों से जुड़े होते हैं। अब 3-4 साल हो गए हैं मैम गुरुजी समाज से दूर हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? सबसे पहला तो यही है कि सामाजिक बुराइयाँ दूर होने की बजाय, जो हमें लगता था कि आज हम सेफ होते जा रहे हैं, सामाजिक बुराइयाँ ख़त्म होती जा रही हैं, गुरुजी के जाने के बाद हम यही देख रहे हैं कि जो हमारे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए लोग हैं वो तो अभी भी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने में लगे ही हुए हैं, बट अगर गुरुजी यहाँ पे हैं तो और भी इन बुराइयों को ख़त्म जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये जो कोरोना बीमारी है, ये बीमारी की चपेट में जो लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी गुरुजी के जाने की वजह से ही हो रहा है, नहीं तो इतनी बीमारियां आज तक हमने नहीं सुनी थी। आज एक सच्चे गुरु को अंदर रख के, अंदर करके उनको, तो क्या है, बुराइयां और भी आगे बढ़ रही हैं। एक बीमारी ने ऐसा कह दिया कि आज दिल दहल जाता है किसी को जब सुनते हैं कि इनको कोरोना है। देखो, ऐसी बीमारी फैली है कि इसी ने ही सबका दिल दहला दिया। और ये बीमारियाँ, ये सामाजिक बुराइयाँ हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारी लाइफ इससे अनसिक्योर है बिल्कुल। तो इसलिए हम कहेंगे कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर लाया जाए, ताकि कोरोना काल से भी हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले और हम इन सामाजिक बुराइयों से भी दूर ही रह सकें। ज़रूरत है मैम सोसाइटी को आज? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है उनकी। उनके बिना हमें पता है कि ये सामाजिक बुराइयाँ नहीं ख़त्म हो सकती। आज वो उनके साथ मिलके चलने वाले जो करोड़ों लोग हैं, वो भी सामाजिक बुराइयों में और आगे बढ़ें, ताकि गुरुजी आके जल्दी से जल्दी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करें। क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस होंगे अगर गुरुजी सोसाइटी में वापस आ जाएंगे? सबसे पहले तो यही है कि मेन तो बुराइयाँ ही ख़त्म करने की पहल, जो उनकी मेन सोच है कि सामाजिक बुराई जड़ से ख़त्म करनी है, मेन तो हमें यही लगता है कि यही ख़त्म होगा। और दूसरा, जो भलाई के कार्य हैं, जिससे गरीबों का या चाहे कोई भी किसी तरह का भी जिसको ज़रूरत है, सबसे पहल यहाँ डेरा सच्चा सौदा से ही की जाती है। कोई भी बाढ़ आती है, आफत आती है दुनिया के अंदर, तो सबसे पहले भागने वाली जो संस्था है वो है डेरा सच्चा सौदा। तो हमें लगता है कि ये दुनिया में जो आफत आई हुई है या कोई भी कहीं भी बाढ़ आती है, तो आज हम उनकी हेल्प और भी ज़्यादा कर सकें, ताकि हमारे गुरुजी आएंगे तो ही हम उनके साथ मिलके ये सब बुराइयों को ख़त्म करें और मानवता भलाई के कार्य और भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे हम। हमें यही उम्मीद है गुरुजी से।
मैम, जैसे आप भी हमारे देश को जानते हो, जिस देश के कानून को जानते हो, आपको क्या लगता है कि गुरुजी कानून की रिस्पेक्ट किस तरीके से करते हैं? गुरुजी से ज़्यादा कानून की रिस्पेक्ट आई थिंक सो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो हर धर्म को मानने वाले, हर संस्था को मानने वाले और हर किसी की रिस्पेक्ट करने वाले। जब वो हमारे जैसा को इतनी रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या वो कानून को रिस्पेक्ट नहीं देंगे? अगर वो कानून को रिस्पेक्ट देते हैं, कानून को मानते हैं, तो उनसे ही बल्कि हमें भी सीखने को मिलता है कि हमें भी सरकारी जो भी आदेश दिए जाते हैं, अब सपोज करो कि कोरोना काल में ही सरकार ने बहुत सारे आदेश दिए, तो हमारे गुरुजी का भी यही मानना है कि सरकार के जो आदेश हैं, सबसे पहले कानून के जो आदेश हैं वो माने जाने चाहिए। तो वो आज हमारी संस्था से जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो सब मान रहे हैं इस चीज़ को। तो कानून की पालना सबसे अच्छे तरीके से कोई कर सकता है तो वो गुरुजी हैं। मैम, आप वेल एजुकेटेड हो, लेकिन लोगों के सवाल थे कि देरा सच्चा सौदा के साथ एजुकेटेड लोग नहीं हैं, जो हैं जहाँ उनका ब्रेन वॉश किया गया है, समथिंग कुछ ऐसे चल रहा था। आप क्या पब्लिक को इस बारे में बताना चाहोगे? मुझे लगता है कि यहाँ जो भी जुड़ने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर वेल एजुकेटेड ही हैं। अनएजुकेटेड, वेल एजुकेटेड ये मायने नहीं रखता कि ये लोगों की सोच है। देखो, कुछ भी बोलने वाला कुछ भी बोलता रहे, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो हमने देखा, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी लोग हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे आते हैं, हम खुद देखते हैं कि इतने कैंप लगते हैं। जब यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है, तो जो डॉक्टर लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये मानना सही नहीं है कि यहाँ सिर्फ अनएजुकेटेड लोग आते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे एजुकेटेड पीपल हैं जो यहाँ पे आके अपनी सेवाएं भी देते हैं और इस संस्था से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। क्या अपील करना चाहोगे मैम गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगी कि जो हमारे गुरु जी हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनको जल्दी से जल्दी बाहर हमारे बीच में लाया जाए, ताकि हम उनके साथ मिलके मानवता भलाई के कार्य, उनकी जो सोच है अच्छे कार्य करने की, सामाजिक भलाई के कार्य करने की, उनको पूरा कर सकें। तो और ये कोरोना काल से जल्दी मुक्ति मिल सके, तो मेरी यही अपील है। तो गुरुजी के वो हमारे बीच में जल्दी से जल्दी लाया जाए। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपको हम उन लड़कियों से बातचीत करवा रहे हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा को जानती हैं, बचपन से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को जानती हैं। ये फैक्ट रख रही हैं जो बिल्कुल अलग हैं उन हेडलाइन से जो आपको दिखाएगी। फिर आखिर क्यों एक संत को, एक संस्था को, वहाँ जाने वाली लड़कियों को बदनाम किया गया? ये समाज से ये बेटियाँ, ये हमारे देश की लड़कियाँ सवाल कर रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और ये लोग मांग कर रहे हैं समाज से, सरकार से अपील कर रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को जल्द से जल्द समाज में वापस आना चाहिए, और जो भी आरोप, जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वह सब झूठे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए दोस्तों, आखिर सच क्या है? आखिर ये सजा किसको मिल रही है, एक संत को या पूरे समाज को? ये खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।